हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे हो, पॉजिटिव हो और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज आपकी रीडिंग। सो आज की रीडिंग है अबाउट कि डिवाइन, यूनिवर्स, भगवान आपके लिए अब आगे लाइफ में क्या प्लान कर रहे हैं, क्या प्लानिंग है डिवाइन की अब आगे की आपकी लाइफ के लिए। सो ये रीडिंग उस रिगार्डिंग है। आपके सामने यहाँ पे दो कार्ड हैं। कार्ड नंबर वन है मैच्योरिटी, एंड कार्ड नंबर टू ल्यूमिनोसिटी। सो जिस भी कार्ड के साथ आप यहाँ पे कनेक्ट कर पा रहे हो, आप वो वाला कार्ड यहाँ पे चूज करिए और हम स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग विथ द ग्रुप नंबर वन। हाय गाइस, ग्रुप नंबर वन, तो आपने चूज करा है कार्ड मैच्योरिटी। चलिए देखते हैं कि डिवाइन, यूनिवर्स आपके लिए अब आगे लाइफ में क्या प्लान कर रहे हैं। सो ग्रुप नंबर वन के लिए क्या प्लान है यूनिवर्स का अब आगे की लाइफ के लिए। टेम्परेंस, सेवन ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पे जो है ना, आप किसी बात को लेके जो है आप थोड़े से कंफ्यूज हो, या आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस रख रखा है कुछ चीज़ों को लेके, ठीक है। आई थिंक कोई आउटकम को लेके आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, या आपके सामने बहुत सारे चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप किस चीज़ को चूज करो या किस तरफ आप अपनी लाइफ का जो रास्ता है वो लेके जाओ, ठीक है। आपके सामने मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं, मल्टीपल थॉट्स हो सकते हैं आपके माइंड में, आपके दिमाग में मल्टीपल आइडियाज़ हो सकते हैं कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ठीक है। बट आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको चूज़ किस चीज़ को करना है, आपको जाना किस तरफ है, आपके लिए क्या रास्ता है आगे के लिए जो आपके लिए बेस्ट है, वो आप समझ नहीं पा रहे हो कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं आपने कुछ चीज़ों को सरेंडर कर रखा है यूनिवर्स पे, आप पेशेंटली जो है वेट कर रहे हो कुछ चीज़ों का, या किसी आउटकम का, किसी रिजल्ट का, किसी पर्टिकुलर चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है। और आप कोई पर्टिकुलर चीज़ मैनिफेस्ट भी कर सकते हो, ये भी हो सकता है। बट ऐसा थोड़ा सा कन्फ्यूजन है आपकी लाइफ में, और कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे हो कि क्या करूँ, दिल की सुनूँ, दिमाग की सुनूँ, किस तरफ जाऊँ। सो फाइनली जो है आपको आपका एक रास्ता यूनिवर्स यहाँ दिखाने वाले हैं। जो चीज़ आपके लिए बेस्ट है ना, वो यूनिवर्स आपके लिए सिलेक्ट करने वाले हैं यहाँ पे। अब वो जो रास्ता है वो यूनिवर्स अपने आप अपने तरीके से बनाएंगे, और जो कन्फ्यूजन वाली फीलिंग है वो कॉन्फिडेंस में चेंज होने वाली है। जिन चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, कन्फ्यूज हो, एक्शन नहीं ले पा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, क्या होने वाला है आगे, उस चीज़ के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस आ रहा है, आपकी लाइफ में हिम्मत आ रही है, आप एक्शन ले पा रहे हो, और यूनिवर्स जो है फाइनली आपको जो चीज़ आप डिज़र्व करते हो, जो आपके लिए बेस्ट है, वो चीज़ यूनिवर्स आपको आपके फ्यूचर में यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। और ये बेसिकली एक रिवॉर्ड ही होगा फ्रॉम द यूनिवर्स, जो आपने पेशेंस रखा है, जो आपने भरोसा दिखाया है। और कहीं ना कहीं अभी आप सोच ज़्यादा रहे हो, एक्शन कम ले रहे हो, आपकी लाइफ में जो है वो कमी है, एक्शन की कमी है, ठीक है। आपकी दिमाग में प्लानिंग बहुत हो सकती है बट एग्जीक्यूशन अभी आपकी लाइफ में नहीं हो रहा है। तो आप इन द फ्यूचर अब आप एग्जीक्यूट कर रहे हो अपनी चीज़ों को, आप उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ स्टेप्स ले रहे हो, एक्शन ले रहे हो, कहीं ना कहीं आप में वो हिम्मत आ रही है, वो एक एक्शन लेने वाली जो फीलिंग है ना, वो आपके अंदर आ रही है, और आप उस चीज़ के लिए काफ़ी कॉन्फिडेंटली लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, एज इफ कि यू नो कि हाँ यही मेरा पाथ है। और उस चीज़ के रिगार्डिंग फिर यूनिवर्स जो है वो आपको रिवॉर्ड भी दे रहे हैं। जो चीज़ें आपने खोई हैं वो उसके कंपनसेट जो है वो यूनिवर्स कर रहे हैं। जो भी आप हार्डवर्क कर रहे हो उसका रिवॉर्ड आपको यूनिवर्स दे रहे हैं। सो एक डेडिकेशन वाली फीलिंग आ रही है आपके फ्यूचर में। जो अभी कन्फ्यूजन है, जो अभी एक तरह से ब्रेक लगा हुआ है, वो चेंज हो रहा है इन द एक्शन एंड इन द रिवॉर्ड। तो ये आपकी लाइफ में आगे की प्लानिंग चल रही है। यहाँ से देखते हैं ग्रुप नंबर वन क्या यूनिवर्स प्लान कर रहे हैं आपके लिए।
creativity. Then we have domestic harmony. So talent तो है आप में, कुछ ना कुछ तो गिफ्ट आपको यूनिवर्स ने देके भेजा है, या आप में कोई ना कोई ऐसी चीज़ करने का पैशन है कि मुझे लाइफ में ये चीज़ करनी है, बट समहाउ यू आर कन्फ्यूज, या आपके अंदर वो डर है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, या आप थोड़ा सा ज़्यादा सोच रहे हो, ज़्यादा आपका दिल और दिमाग अलाइनमेंट में नहीं आ पा रहा है, बट यू नो इन द फ्यूचर अब एक्चुअली में उस चीज़ के लिए यहाँ पे एक्शन लोगे, एक्चुअली में आप उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने वाले हो. इवन अगर आपके घर में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपकी फैमिली लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम्स थी, इशूज़ थे, तो वो प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे सॉल्व हो रही हैं, वो चीज़ें भी यहाँ पे सॉर्ट आउट हो रही हैं. कंप्लीशन, सो फाइनली ऐसे कि एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, नई साइकिल स्टार्ट हो रही है आपके लिए. तो जो भी काम था, जो भी कन्फ्यूजन्स थे, वो यहाँ पे ख़त्म होके आप वो काम फाइनली कंप्लीट कर रहे हो. अब आप यू नो अपने काम को पेंडिंग नहीं रख रहे हो कि ये भी काम बाकी, वो भी काम बाकी है, ऐसा नहीं कर रहे हो. आपके ऊपर 10 काम का प्रेशर हो सकता है इस टाइम, बट इन द फ्यूचर आप सारा काम जो है वो कंप्लीट कर रहे हो, अपने सारे पेंडिंग टास्क जो है अब आप फाइनली कंप्लीट करोगे. ओके, अब मुझे पेंडिंग कुछ रखना ही नहीं है, अब सारा जो टिक मार के वो आप कर रहे हो अपने काम के आगे. स्पिरिचुअलिटी, कहीं ना कहीं आपका भरोसा डिवाइन के ऊपर और ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे मिरेकल्स हो रहे हैं कि आपको ये भरोसा होगा कि डिवाइन है, उनकी प्रोटेक्शन है आपके ऊपर. और इस कार्ड को अगर आप देखो ध्यान से, तो यहाँ पे भी ये पर्सन अपना काम कर रही है, बट एंजल डिवाइन इसको देख रहे हैं, वो प्रोटेक्शन है इसके अराउंड, ये प्रोटेक्शन है, दिस गोल्डन प्रोटेक्शन है. तो भले हम देख नहीं पाते हैं उन एनर्जीज को, बट कहीं ना कहीं वो महसूस आप ज़रूर करोगे इन द फ्यूचर की ऐसे कुछ इवेंट्स होंगे आपके साथ. लेट्स सी फ्रॉम योर डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस. सो या कन्फ्यूजन नहीं है, अब वो डर है ना कि मैं चांस लूँ ना लूँ इस चीज़ पे, इस टास्क पे, अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब आप चांस ले रहे हो, अब आप वो काम कर रहे हो, अब डर नहीं है. टाइगर एंड लायन, सो दोनों बहुत ही बोल्ड एनर्जीज आए हैं यहाँ पे आपने, तो अब आप फाइनली यू आर गोइंग फॉर दैट. यू नो किसी भी चीज़ में डर निकालने का तरीका ही है कि आप उस काम को कर लो, क्या होगा, मैक्स टू मैक्स नेगेटिव भी क्या हो जाएगा अगर आप ये सोच लो कि वो काम नहीं होगा आपका, आप फेल हो जाओगे उस चीज़ में, मैक्स टू मैक्स इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, राइट. तो वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, और अपनी बेस्ट आउटकम को भी ध्यान में रखते हुए आप रिस्क ले लो. जब एक टाइगर या लायन शिकार पे निकलता है, वो किसी एनिमल को चेस करता है, तो हद से हद मैक्स टू मैक्स क्या होता है कि वो एनिमल को नहीं पकड़ पाता, या वो एनिमल उसके पंजे से भाग जाता है, इससे तो वर्स कुछ नहीं होगा, राइट. तो क्या होगा हद से हद आपके साथ भी, तो आप फाइनली वो चांस ले रहे हो. देन प्लेंटी ऑफ मटीरियल थिंग्स, सो यस यू नो चांस ले रहे हो अपनी लाइफ में, वो रिस्क ले रहे हो, तो आपको फाइनेंशियल प्रॉफिट भी हो रहा है उस चीज़ में, फाइनेंशियली भी ग्रोथ दिख रही है आपकी ज़िंदगी में. स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, सो प्रोटेक्शन भी आ गया आपके ऊपर कि कहीं ना कहीं आप प्रोटेक्टेड भी रहोगे आपके फ्यूचर में, डिवाइन आपके साथ हैं. डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस सेट अश्योर सक्सेस, तो कहीं ना कहीं अगर आप अपने अंदर पीसफुल हो, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंट हो, आपको अपने अंदर विश्वास है, स्ट्रेंथ है आपके, आपको अपने खुद पे, तो आपका सक्सेस का मंत्र यही है कि आप खुद पे ऊपर विश्वास और खुद के ऊपर भरोसा ही आपकी सक्सेस की चाबी है, यही यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं इस टाइम. चलिए फाइनल वर्ड्स देख लेते हैं फ्रॉम यूनिवर्स, फाइनल वर्ड्स फ्रॉम द यूनिवर्स. रिलीज कंट्रोल, सो अब ना बहुत ज्यादा चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, ठीक है, आप बस एक्शन लो, क्या होना है, कैसे होना है, क्या रिजल्ट आना है, वो कंट्रोल आपके हाथ में. आप ये सोच रहे हो कि अगर मैं एक काम करूँ तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, आप बहुत ज्यादा उस चीज को, आउटकम को कंट्रोल कर रहे हो. रिलीज कंट्रोल, आप अपना एक्शन लो पहले. देन वी हैव लाइटन अप, सो इतना बर्डन अप लेके या बहुत ज्यादा चीजों को सोच के या इतना मेंटल प्रेशर लेके मत जियो. लाइटन अप एंड मूव अहेड इन लाइफ, स्टेप अप एंड लीड. सो वही किंग ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी की, स्टेप अप एंड लीड, स्टेप अप, जस्ट टेक एक्शन. आप अपनी लाइफ के लीडर खुद हो एंड यू विल बी अमेज्ड कि आपकी लाइफ में कितने अमेजिंग रिजल्ट आने वाले हैं आगे. एंड लास्ट वी हैव इज नो यू आर लव, सो यूनिवर्स लव्स यू अ लॉट, यूनिवर्स प्रोटेक्ट्स यू, यूनिवर्स इज देयर फॉर यू. हम देख नहीं पाते हैं कुछ एनर्जीज को, बट वो हैं हमारे आसपास,
और अगर हम उनसे कनेक्ट होते हैं तो वो हमारी हेल्प जरूर करती है। तो हमेशा कनेक्ट रहो यूनिवर्स से, भरोसा रखो अपने आप पे, यूनिवर्स पे, एंड लाइफ में आगे बढ़ते रहो। दैट इज द ओनली की टू योर सक्सेस। ओके सो गाइज, ये है आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर वन। एंड इफ यू वॉन्ट पर्सनल रीडिंग्स फ्रॉम मी, प्लीज कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड टेक केयर गाइज, एंड प्लीज टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर। हाय गाइज, ग्रुप नंबर टू तो आपने चूज करा है कार्ड ल्यूमिनोसिटी। चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स, डिवाइन अब आगे लाइफ में क्या प्लान कर रहे हैं। ग्रुप नंबर टू, सेवन ऑफ सोल्स, एस ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स। सो यूनिवर्स जो है ना, आपको आगे लाइफ में बहुत सारी पावर देने वाले हैं, बहुत सारी हीलिंग आपके लिए भेज रहे हैं। बिकॉज आप ना इस टाइम मल्टीपल चीजों से इस टाइम डील कर रहे हो, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आप डील कर रहे हो जो आप किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहे हो। आपकी लाइफ में ऐसी ऐसी मेंटल यू नो प्रॉब्लम्स चल रही हैं जो आपको मेंटली लाइक परेशान कर रही हैं, ठीक है, कि कभी फैमिली प्रॉब्लम, कभी हेल्थ इशू आ गया कोई, कभी कोई करियर प्रॉब्लम, कभी कुछ और चीज़, कभी लाइक यू आर डीलिंग फ्रॉम सो मैनी थिंग्स एट द सेम टाइम, एंड यू आर जस्ट फाइटिंग। आप एक फाइटर हो, आप फाइटिंग स्पिरिट है आपकी, और मतलब आपकी लाइफ में ना आप कोई भी दिन आप चैन से नहीं बैठ पाते हो। कुछ ना कुछ यू नो गोज ऑन गोज ऑन गोज ऑन, कुछ ना कुछ चलता रहेगा, कुछ ना कुछ चलता रहेगा, कभी कुछ कभी कुछ। तो मतलब एक मेंटल प्रेशर जो है ना वो आपके ऊपर बिल्ड होता रहता है। बट सबसे अच्छी बात है कि यू आर अ फाइटर, क्योंकि आप ये बात जानते हो कि अगर आप बैठ गए, अगर आप डर गए, अगर आपने सरेंडर कर दिया नेगेटिव एनर्जीज के सामने, तो फिर आप हार जाओगे। तो आप पूरा डील भी कर रहे हो उसके साथ, ठीक है। तो यूनिवर्स ना आप देख रहे हैं, सब चैलेंज देख रहे हैं आपके। तो यूनिवर्स ना आपके लिए बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं, बहुत सारा लव, बहुत सारी हीलिंग और अप्रिसिएशन, और बहुत सारा मतलब कि ब्लेसिंग्स जो है ना वो यूनिवर्स आपके लिए भेज रहे हैं। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अब तुम बहुत थक गए हो, कोई बात नहीं, अब रेस्ट करो। तो अब जो टाइम आ रहा है ना वो आपके लिए रेस्ट का टाइम आ रहा है, अब जो टाइम आ रहा है वो आपके लिए केयरिंग का टाइम आ रहा है, अब आपके लिए एक एकदम लाइक अच्छा टाइम आ रहा है कि जिसमें ना आपके फालतू में लाइफ में इतने चैलेंजेस फालतू के नहीं होंगे। यू कैन जस्ट फाइनली रिलैक्स, यू कैन जस्ट फाइनली यू नो अब आप अपने बारे में सोच सकते हो, अपना ध्यान रख सकते हो। अगर आप बहुत टाइम से किसी लंबे हेल्थ इशू से भी डील कर रहे हो तो वो चीज़ भी यहाँ पे सॉल्व हो रही है, ठीक है। और अगर आपकी लाइफ में वैसे कोई स्ट्रगल्स चल रहे हैं जो आपकी जो आपको बहुत ज़्यादा चैलेंज दे रहे हैं तो वो भी यहाँ पे हील हो। तो बहुत सारी यहाँ पे ढेर सारी यू नो हीलिंग इज़ कमिंग फॉर यू, ढेर सारी लव एंड ब्लेसिंग्स आर कमिंग फॉर यू। एंड इवन अगर आपके कुछ टास्क थे जो कि पेंडिंग थे, या कुछ टास्क थे जो बीच में अटक गए थे, कुछ काम थे जो बीच में अटक गए थे, वो टास्क वो काम भी यहाँ पे पूरे हो रहे हैं, एंड फाइनली आप वो चीज़ें जो हैं आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही। तो आगे जो टाइम आ रहा है वो आपके लिए रेस्ट वाला टाइम आ रहा है। मतलब इतना आपको लगेगा कि ठीक है यार, एकदम से स्ट्रगल जो है वो ख़त्म हो गया, एकदम से जो चैलेंज था ना रोज़ उठ के एक नया चैलेंज, वो चीज़ नहीं है अब। फाइनली यू कैन रिलैक्स, फाइनली इट विल बी अ रिलीफ फॉर यू, फाइनली यू कैन बी लाइक ओके अब आई कैन रेस्ट फाइनली। अब बहुत टाइम बाद एक चैन की नींद होने वाले हो, ऐसा टाइम आने वाला है आपके लिए। ओके एंड यू कैन लाइक सरेंडर सर्टेन थिंग्स ऑन यूनिवर्स, एंड यूनिवर्स आपको वो प्रोटेक्टिव शील्ड भी दे रहे हैं, जहाँ पे यूनिवर्स आपको यू नो अपनी गोद में लेके जैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको कि ठीक है कोई बात नहीं, नाउ आई एम देयर फॉर यू, आई एम देयर टू सपोर्ट यू। और आपके जो भी टास्क थे, काम थे, वो लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, कोई भी काम आपका पेंडिंग नहीं रहेगा, कोई भी काम अब आपका ऐसा नहीं होगा कि यू नो आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, चीज़ें जो है अब ईजिली हो जाएंगी। एंड देयर इज ऑल्सो एनर्जी ऑफ सेल्फ लव, कि ना कि आपको अपने आप भी रियलाइज होगा ये चीज़ की यार बहुत मैंने प्रेशर ले लिया अपने ऊपर, अब आई नीड रेस्ट, आई नीड हीलिंग, आई नीड टाइम फॉर माई सेल्फ, आई नीड टू लुक आफ्टर माई बॉडी, आई नीड टू लुक आफ्टर माई मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ भी अब वो उस चीज़ पर भी बहुत ध्यान दे रहे हो। ओके चलिए यहाँ से देखते हैं ग्रुप नंबर टू। नेचर, सो आई थिंक बहुत टाइम से आप शायद बाहर भी नहीं निकले हो, आप बहुत टाइम से घर के अंदर ही हो, रूम में ही हो, और ज़्यादा बाहर नहीं निकल रहे हो। तो यू नो स्पेंड
सम टाइम इन नेचर, गो आउट, गो आउट इन ग्रीनरी, इट विल रियली हील यू. जो आप अंदर ऐसे डील कर रहे हो ना, जो आप डार्कनेस चल रही है आपकी लाइफ में, यू विल रियली फील रिलीव्ड अगर थोड़ी देर बैठोगे वहाँ जाके. तो रोज़ बैठा करो वहाँ जाके. स्पिरिचुअलिटी, कहीं ना कहीं आप और स्पिरिचुअल बन रहे हो आगे लाइफ में, और ज़्यादा आपका जो कनेक्शन है डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ, वो और स्ट्रांग हो रहा है, और आपका लव जो है वो बढ़ रहा है यूनिवर्स के साथ. बिकॉज आपकी लाइफ में इवेंट्स ऐसे हुए हैं कि आप, आपका जो सोल्यूशन था वो डिवाइन के पास ही है, तो आप उन्हीं के पास जा रहे हो वापस से. आप उन्हीं की एक एसेंस में आप जा रहे हो कि ठीक है, जस्ट हेल्प मी, प्रोटेक्ट मी. तो वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको. हेल्थ, तो आपकी हेल्थ इशूज़ भी यहाँ पे सही हो रहे हैं. बहुत टाइम से आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली ड्रेन्ड हो. सो फाइनली देर इज़ अ लॉट ऑफ हीलिंग फॉर यू, देर इज़ अ लॉट ऑफ रिलैक्सेशन फॉर यू, के फाइनली यू कैन स्लीप वेल. इंट्यूशन, एंड नाउ आई थिंक योर इंट्यूटिव पावर्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग, कि आप इंट्यूटिवली आप डिसाइड कर लोगे ठीक है यार, ये काम अब मेरे से नहीं हो सकता, आई एम लीविंग इट. इंट्यूटिवली इट्स नॉट दैट वर्दी. और जो चीज़ें आपके लिए एक्चुअली में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटाइज कर रहे हो ना आप, वो आप यू विल रियलाइज कि ठीक है ये लाइफ में ज़रूरी है, ये काम करते हैं, ये छोड़ देते हैं. तो लाइक इंट्यूटिवली यू आर डिसाइडिंग मैनी थिंग्स. सो आपका इंट्यूशन पावर काफ़ी हाई होने वाला है, एंड यू विल टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू योर इंट्यूशन. सो ट्रस्ट योर इंट्यूशन. ग्रेट पैशन. सो जिन चीज़ों के लिए भी आप पैशनेट हो, जिन चीज़ों के लिए भी आपका लाइफ में है कि ये मुझे अचीव करना है, वो चीज़ें जो है फाइनली आपके लिए आगे बढ़ रही हैं. जो चीज़ों से आपको प्यार है, जो चीज़ों आपका मन है करने का, वो आप अब कर पाओगे जिंदगी में, उसमें आपकी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी. टाइम टू गो आउट एंड हैव फन. सो फाइनली अ फन एंटरटेनिंग टाइम इज़ कमिंग फॉर यू, बिकॉज बहुत टाइम से आप बाहर नहीं निकले हो, आपने इन्जॉय नहीं करा है लाइफ को. सो अब इन्जॉयमेंट वाला टाइम आ रहा है. अ विश इज़ ग्रांटेड. सो फाइनली स्ट्रगल का टाइम ख़त्म और विश कम्प्लीटमेंट कार्ड वाला टाइम अब स्टार्ट हो रहा है. सो फाइनली जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, विश आपकी पूरी हो रही है. कीप योर लाइफ इन बैलेंस. सो बैलेंस इज़ कमिंग, बैलेंस इज दे रहे हैं आपको यूनिवर्स. ओके, एंड माइंड, बॉडी, सोल, स्पिरिट, एवरीथिंग इज़ अलाइनिंग. सो ऐसा नहीं कि आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है लाइफ में. और आप खुद भी बैलेंस रखना लाइफ में, ज़्यादा टेंशन मत लेना, हार्मनी रखना अपने एनर्जीज में, बैलेंस रखना प्रैक्टिकल और इमोशनल लाइफ के बीच में. चलिए यहाँ से एडवाइस देख लेते हैं यूनिवर्स की. असेस द सिचुएशन. आप सिचुएशन के को एक्सेस करो कि ठीक है, इज दिस इम्पॉर्टेंट, क्या मुझे यहाँ पे रिएक्ट करना जरूरी है, क्या मुझे यहाँ पे फालतू में इतना स्ट्रगल करना जरूरी है, क्या मुझे फालतू इतना टेंशन लेना जरूरी है इस चीज़ में. सो एसेस करो इफ दैट सिचुएशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो टेंशन लो, अदरवाइज जस्ट लीव इट ऑन डिवाइन. सरेंडर करना सीखो, फालतू में ना हर चीज़ का प्रेशर अपने लेके ऊपर लेके मत चलो. थिंक इट थ्रू. सो फर्स्ट थिंक एंड देन टेक एक्शन. सो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ में जो है वो आप साइड में करने वाले हो, बिकॉज आपको ये रियलाइज होगा कि जिन चीज़ों के बारे में आप टेंशन ले रहे हो ना, उसमें से मोर देन हाफ ऑफ द थिंग्स आर नॉट नेसेसरी ऑल्सो. उस पर कोई कंट्रोल ही नहीं है आपका, आप कुछ कर ही नहीं सकते हो उसके बारे में, वो सब यूनिवर्स के हाथ में. तो आप उन चीज़ों को सरेंडर करने वाले हो फाइनली, कि ठीक है सोचना भी नहीं है इस चीज़ के बारे में. लाइटन अप. सो अपना जो बर्डन है वो लाइटन करो. हर चीज़ को आप नहीं कंट्रोल कर सकते हो, हर चीज़ आपके हाथ में नहीं है, कुछ चीज़ें यूनिवर्स के हाथ में, तो आप छोड़ रहे हो. अब आपको ऐसा लग रहा है कि यार कुछ फ़ायदा नहीं है, छोड़ते हैं अब यूनिवर्स के हाथ में, देखते हैं क्या होने वाला है. तो आई थिंक वो बेस्ट रहेगा आपके लिए. नो यू आर लव्ड एंड यू आर लव्ड, बिकॉज आई थिंक बहुत टाइम से आपने अपने आप से भी प्यार नहीं किया, आपने अपने आप को अप्रिशिएट नहीं किया है, आपने अपने आप का ध्यान नहीं रखा है. सो नो यू आर लव्ड, आप भी वो लव, केयर, अटेंशन डिजर्व करते हो जो आप दूसरों को देते रहते हो. तो नो यू आर लव्ड एंड यूनिवर्स लव्स यू, एंड यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू लव योर सेल्फ. तो अपने आप को लव करो ताकि आप अपनी केयर कर सको, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप ही अपने साथ हो, आपकी बॉडी आपके साथ है, आपकी बॉडी आपको सपोर्ट करने वाली है, आपका माइंड, बॉडी, स्पिरिट, एनर्जी आपकी सपोर्ट करने वाली है. और कोई सपोर्ट करे ना करे, आप अपना सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम हो. तो आपको अपना ध्यान जो है ना वो सबसे पहले रखना है लाइफ में, चाहे आप किसी और का रखो ना रखो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन यू कैन डील विथ एवरीथिंग दैट इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ. ओके, सो ग्रुप नंबर टू, दिस इज योर रीडिंग.
आई होप कि आपको यहाँ से हेल्प गाइडेंस मिली हो. एंड इफ यू नीड पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम. एंड टेक केयर गाइज, बाय, एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब.